हेलो गाइस, मैं सूरज आज आपके नए वीडियो के साथ आए, क्योंकि दोस्तों आज हम बताने वाले हैं नाइलॉन 6x6 कहते हैं नाइलॉन, जो नाइलॉन होता है 6x6 जिसे 66 भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बनाने के निर्माण के बारे में, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसकी रिएक्शन क्या होगी, सारी जात में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पेपर हैकर को जैसे कि पेपर लीक होगा इंटर वालों का, हाई स्कूल वालों का, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और बीएससी वाले भी, यदि आप इंटर के बाद देखे बीएससी में जाने चाहते हैं तो बीएससी आप करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ सारा कुछ मिलता रहेगा। तो आई होप हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। देखिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से लाइन ऑन 6x6 की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2020 के एग्जाम पे और सार बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ बात करते हैं, देखिए किरमिक पोली अमाइड जो किरमिक तनु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, किरमिक पोली अमाइड होते हैं, इमाइड होते हैं, वो किरमिक तनु बनाते हैं जिनकी प्रोटीन जैसी संरचना होती है। कैसी होती है, जिसकी प्रोटीन जैसी स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, जैसे नाइलॉन कहा जाता है, जैसे क्या कहते हैं, नाइलॉन। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जैसे सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसे इन्हें या इसे हेक्सामिथाइलाइन डाइअमीन और एडिपिक अम्ल के बहुलक से बनाया जाता है। किससे, एडिपिक अम्ल, मतलब हेक्सामिथाइलाइन अमीन और एडिपिक अम्ल के बहुलक से, बहुलीकरण से बनाया जाता है, ठीक है, किसे, नाइलॉन 6x6 को। तो देख लेना है कैसे बनाते हैं, रिएक्शन को भी देख लीजिए। रिएक्शन आपको देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, यहाँ से हो जाता है वो एडिपिक एसिड, क्या होता है, देखिए एडिपिक एसिड कितनी, ये इतना जो सूत्र दिख रहा है आपका, ये वाला एडिपिक एसिड का सूत्र है, ठीक है। और यहाँ से ये जो सूत्र रह जाता है, ये वाला, ये हेक्सामिथाइलाइन अमीन है, ठीक है, हेक्सामिथाइलाइन अमीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ और इसके बहुलककरण, मतलब इसको हम प्रेरक गर्म किया जाता है तो लाइनॉन 6x6 बनता है, और जो बीच में जो बॉन्ड बनाइया, देखिए ये वाला बॉन्ड जो दिखाया था ना, पेंटाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है, पेंटाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना। देखिए इसमें क्या है, इस रिएक्शन में है क्या, पहले हम आपको बताने वाले हैं। देखिए NHO2, ठीक है, HO2C, ठीक है, और यहाँ देखिए हो जाएगा आपका CH2 की होल्ड फोर, मतलब कि घात चार रहेगी, और CO2, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ देखिए यहाँ फिर उसके बाद में CO2H, ठीक है, ये हमारा हो गया एडिपिक एसिड का सूत्र। और फिर देखिए NH2N, ठीक है, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड CH की 12 की 6, फिर NH2, ये क्या है, डाई, ये हेक्सामिथाइलाइन अमीन, ठीक है। अब इसके सूत्र को क्या किया, इन्हें प्रेरक किया गया, और डाई यहाँ आपका जो देखिए नाइलॉन 6x6 का निर्माण हो जाता है जब गर्म किया जाता है, तो इसे यहाँ देखिए सूत्र को याद कर लीजिए, जिस प्रकार से OH है OH लगा दो, ठीक है, उसके बाद में OH, देखिए यहाँ क्या हुआ, सिंपली आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ सिंपली देख सकते हैं यहाँ क्या है, देखिए यहाँ दे रखा है CO2H, तो यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, HO फिर OH, मतलब कि 2 OH रख दिए, फिर उसके बाद में ब्रेकेट लगाई उन्होंने, ब्रेकेट लगाने के बाद में यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ CH2 सेम टू सेम वैसे उतार दिया, और फिर देखिए यहाँ CO, मतलब एक CO को मतलब यहाँ से हटा दिया गया, और NH यहाँ रहने दिया एक NH को, और फिर क्या किया इन्होंने, देखिए ये पेंटाइड बॉन्ड लगा दिया उन्होंने, और यहाँ फिर ये सेम टू सेम उतारा, और यहाँ NH उतारा, मतलब कि और NH सेम निकाल दिया। ये है हमारी लाइनॉन 6x6 की रिएक्शन, ठीक है। अब उसके बाद में चलते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, लाइनॉन 6x6 का यूज़ कौन करता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में याद करेंगे। तो उपयोग की बात के देखिए, नाइलॉन 6x6 का उपयोग किरमिक तनु बनाने में किया जाता है, वस्त्र और प्लास्टिक एम पैरासूट बनाने में, और सूट रस्सी, ठीक है, रस्सी वगैरह और डोरी आदि बनाने में किया जाता है लाइनॉन 6x6 का। आई होप हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ नाउ, और जैसे जैसे हमने बताया सेम टू सेम ऐसे लिख के आते हैं तो आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को लास्ट देखने